उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड को लगातार केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, जिस कारण उन मुद्दों को भी हल किया जा रहा है जो सालों से लंबित पड़े हुए है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने के कयास को लेकर सीएम ने कहा कि पार्टी ने फैसला करेगी, वह उसे मानेंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास हमेशा हमेशा उसकी मांग ये बनी रहेगी, लेकिन अगर हम देखें जो बेसिक जो चीजें डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सबसे पहली चीज है रोड्स, सड़कें अच्छी हो, यातायात की सुविधा बेहतर हो, तो उसमें रेल आ गया, हवाई कनेक्टिविटी आ गई और हमारे राज्य में तो हेलीकॉप्टर सेवा भी एक अच्छा व्यवसाय बना है और अच्छी सुविधा आज जो राज्य या राज्य के बाहर के जो लोग हैं उनको दे रहा है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। देहरादून में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी है, पंतनगर का इंटरनेशनल का निर्णय मेरी सरकार ले चुकी है। उस रिंग रोड में तमाम तरह की ज़रूरतें थी, लेकिन एक रोड मैंने यहाँ पर दिया था जो उसका एक विकल्प थोड़ा बहुत हो सकता था। मुझे लगता है कि इधर से अगर हम रामनगर की तरफ जाएंगे तो वहाँ कहीं से एक रोड, कोई नहर अंडरग्राउंड करके और जो ऊपर नीचे सीधा काठ गोदाम में मिलेगी,